साइकिल यात्रा की थीम की जानकारी देते हुए कमांडेंट ऑफिसर अनिल नेहरा ने कहा, हमारे लिए आजादी के बहुत बड़े मायने हैं। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए बड़े बलिदान दिए हैं। साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे व बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रेरित करना है और साथ ही युवाओं को यह भी ध्यान दिलाने चाहते हैं कि जो हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं, इसके लिए देश के वीर जवानों ने कितने बलिदान दिए हैं। हमें देश के वीरों द्वारा दिए गए बलिदानों की शहादत को नहीं भूलना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि यह यात्रा देश के 10 अलग अलग जगहों से निकाली जा रही है, जो 2 अक्टूबर को दिल्ली महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचेगी और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। मैं कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस साइकिल रैली कंटिजेंट, कमांडिंग ऑफिसर अनिल नेहरा। मैं इस साइकिल रैली को 26 सितंबर 2021 से लेकर चला हूँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर सपड़ी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से, और 2 अक्टूबर को ये साइकिल रैली समाप्त हो रही है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर। वहाँ हम उन्हें नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इस साइकिल रैली में 15 कंटिजेंट है, इसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ और इसमें लगभग 7 दिन में हम 550 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस साइकिल रैली के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला और सबसे अहम उद्देश्य ये है कि जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो रखा है, उसमें सशस्त्र सीमा बल द्वारा 10 देश के अलग अलग हिस्सों से 10 साइकिल रैलियाँ निकाली जा रही हैं। उनमें से एक साइकिल रैली एक है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग ये समझें, जनमानस ये समझे, हमारी युवा पीढ़ी ये समझे कि जो आज़ादी हमें मिली है वो बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे त्याग के बाद मिली है। और जिस आज़ादी को हम आज पूरी हवा में इंजॉय कर रहे हैं, जिस फ्रीडम को हम आज जी रहे हैं, वो भी मेंटेन करने के लिए, उसको भी चालू रखने के लिए बहुत सारी शहादतें आज भी दी जा रही हैं। चाहे पुलिस बल हों, चाहे CAPF हों, आर्मी हो, हमारे सुरक्षा बल के जवान हमेशा सुरक्षा में तैनात रहते हैं और अपनी शहादतें देते हैं, बलिदान देते हैं, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, या अंत में अपने जीवन से हो। तो उस बलिदान के महत्व को समझें, शहीदों को नमन करें, श्रद्धांजलि दें। ये 75 सप्ताह का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसके तहत अनेक कार्यक्रम किए जाएंगे, तो हमारी साइकिल रैली भी उसमें से एक है। इसके साथ साथ साइकिल पर चलने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, अपने आप को स्वस्थ रखे, स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए एक स्वस्थ और सुदृढ़ भारत को निर्माण करें। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।